अच्छा उनके घोड़े पूरा आपको महल नजर आ रहा है, तो इसमें अंदर में जाके आपको पॉपुलेशन देखें महल का पूरा जो भी था इनका सिलसिला है पूरा देखें। ये बड़े शेर का ये एक और मुझे सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? आई होप दोस्तों आप सही होंगे। व्यूअर इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैरपुर सिटी में और अभी मैंने स्पेशल परमिशन मेरे दोस्त हैं इन्होंने मुझे दिलवाई है फेज़ महल जो जहाँ पे तारीखी एक महल है तो उसकी मैं अभी एक्सप्लोर करूँगा, आपको विजिट कराऊँगा, आपको दिखाऊँगा, उस तरफ जा रहा हूँ। अभी टाइम हुआ है सुबह के तकरीबन 10:30 हो रहे हैं तो अभी वहाँ पे फेज़ महल यहाँ का बहुत बड़ा महल है तो उसको जाके देखते हैं और आपसे फिर शेयर करता हूँ, फिर फर्दर मिलते हैं फेज़ महल में। अभी निकला हूँ मैं सुबह नाश्ता करके तो वहाँ पर फिर आपसे मिलते मुलाकात होती है। और मगर आप मेरा ये चैनल हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप ये मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। और ये व्लॉग जो है बहुत अच्छा होने वाला है तो आप आखिर तक इससे जुड़े रहें और आखिर तक आप देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। तो आए चलते हैं फिर फेज़ महल में आपसे मुलाकात होती है। ये देखें ये अभी मैं जा रहा हूँ ये खैरपुर में एक ये नदी है ये साथ में चलती है सिटी के बीच में है ये, इसको क्रॉस करके हम फिर आगे फेज़ महल की तरफ जा रहे हैं। व्यूअर्स इस वक्त हम फेज़ महल में पहुँच गए हैं और ये जो दोस्त ने मेरे परमिशन ली थी तो स्पेशल वो एक गार्ड बैठे हुए हैं तो वो यहाँ पे एंट्री करेंगे पहले हमारे आईडी कार्ड की तो फिर ये अंदर छोड़ेंगे, ये एंट्री करेंगे हमारी, ये एंट्री कर रहे हैं तो उसके बाद जो है अमीर साहब वीरेंद्र भाई साहब व्यूअर्स ये एक जैसे ही हम उतरे सामने एक घोड़ा नज़र आया है तो ये हमारे जो है अंदर महल के में ये खड़े हैं फेज महल में तो ये दूसरे घोड़े भी हैं। ये किसका मीर साहब का टालपुर? अच्छा उनके टालपुर ये उनके घोड़े हैं उनके। अच्छा तो ये अंदर और भी हैं? अंदर और भी। तो ये किस तरफ से रास्ता हम अंदर जाने का? आ जाओ चल। तो व्यूअर्स हम अंदर प्रीमिसेस में तो दाखिल हो चुके हैं तो मजीद हम आगे जाने के लिए ये वहाँ का एक नुमाइंदे हमारे साथ चल रहे हैं जा रहे हैं आपको फिर आगे दिखाते हैं। सॉरी व्यूज़ ये देखें पीछे मेरा जो पूरा आपको महल नज़र आ रहा है तो इसमें अंदर मैं जाके आपको पूरा दिखाऊंगा, आप इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक रहिएगा मेरे साथ क्योंकि अंदर जाके बहुत ज़बरदस्त होने वाला है, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और ये पीछे मेरे आपको नज़र आ रहा होगा महल पूरा, आप यूँ महल का देखें मैं आगे से जाके फिर आपको ये जो है पूरा इनको ये देखें ये पूरा यहाँ महल के आगे ये इनका पूरा एक एरिया है जहाँ पे उस ज़माने में ये हिजाइनस जो मीर टालपुर साहब होते थे वो यहाँ पे वॉक करते होंगे या यहाँ पे जो भी था इनका सिलसिला है पूरा देखें। ये एक पार्क बना हुआ है बहुत बड़ा एक कवर्ड एरिया है यहाँ पे, अब तो ये गवर्नमेंट अब अभी भी इनकी प्राइवेट मिल्कियत है और अभी भी ये यहीं पर ऊपर जो है रहते हैं और इसकी परमिशन जो है जब भी आप जाएँ मैं आपको कह रहा हूँ परमिशन इसकी लेके फिर आइएगा क्योंकि परमिशन के बगैर यहाँ पे अलाउड नहीं होता है। ये आप देखें यहाँ से जो है ये व्यू मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ ये व्यू दिखाने आपको, ये व्यू देखें ये ज़बरदस्त ये व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये जो महल का व्यू है ये आप देखें बहुत ज़बरदस्त सुपर। तो अभी जो है अंदर चलेंगे फिर मैं अंदर चल के आपको पूरा इसका एक्सप्लोर करूँगा, आप मेरे साथ ही जुड़े रहिएगा क्योंकि अगर आप यहाँ पे व्लॉग छोड़ देंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए ये एंड तक व्लॉग देखना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा महल की बिल्डिंग आपको जो है इसका फ्रंट एविलेशन देखें महल का पूरा, यहाँ पे ये तोपें भी लगी हुई हैं सामने
इनके महल के सामने एक हिस्टोरिकल प्लेस है व्यूअर्स। उस ज़माने में जब ये 1700 से 1800 के दरमियान जब ये बना होगा तो उस वक्त ज़माना और था, और ये मगर ये इंडिपेंडेंट रियासत थी। ये आई थिंक 1950 या 55 में आके पाकिस्तान में ये जम हुई है। उससे पहले ये मीर चालपुर्स की इंडिपेंडेंट रियासत होती थी, खैरपुर रियासत, मगर ये महल और ये अभी तक इनकी इनके ही उसमें है, अंडर है। ये देखें, अभी इसके अंदर मैं आपको ले जाऊंगा। अंदर चलते हैं, आपको फिर मैं दिखाता हूँ, अंदर चल के देखते हैं कि इसका फ्रंट एविलेट एक फ्रंट देखते हैं इनका फ्रंट से ये। हाँ व्यूअर्स, ये मैं फेज महल के अंदर मौजूद हूँ इस टाइम। आप ये देख सकते हैं ऊपर, ये पूरा व्यूअर्स को दिखाएं, ये ऊपर तो ये सारा फेज महल का जैसे इंटर हों तो ये सामने ये सारे ये देखें, ये शिकार जो की हुई है मेरे ख्याल में हरण की तस्वीर, ये लगे हुए सर लगे हुए हैं जो मीर साहब ने जो उस जमाने में ये शिकार किया होगा। या ये पूरी हिस्टोरिकल एक प्लेस है, और ये 1797 में आई थिंक ये बनाई गई थी, यही 1797 में 1797 में 1797 में ये जो है महल ये तामीर किया गया था। तो उस हिसाब से ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, 300 साल से मेरे ख्याल में आई थिंक हो गए, 300 साल से भी ऊपर हो गए, 300 से कम हुए, 1797 में ये बना है, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स ये देखें, आप फिर अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। व्यूअर्स ये देखें, जैसे ही अंदर हों तो एक हसीन एक सहर अंगेज ये मंजर आपके हमारे सामने है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़ा एक हॉल है, और ऊपर छत का जो है छत भी काफ़ी ऊंची है। और आए इनसे फिर यहाँ पे जो ये देखें, ये उस ज़माने की हिस्टोरिकल ये चीज़ें हैं यहाँ पे। आए इनसे, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप यहाँ के मतलब होते हैं यहाँ पे, तो आप हमें थोड़ा सा बताएं कि ये यहाँ पे ये कब बना था, ये क्या सिलसिला था, किसने बनाया था ये महल जो था? ये महल जो बनाया था मीर साहब ने, ये किसने बनाया था? मीर फैज़ अहमद खान टालपुर नाम का है, मालूसन ने बनवाया था। अच्छा, और जो स्टेट शुरू हुई है इन वहाँ से मीर सोहराब खान टालपुर से शुरू हुई है। अच्छा जी, 1783 से 1830 तक ये बस की हुई है। अच्छा, तो ये इसमें कितने रूम्स हैं, कितने कितना इसका वो एरिया है, क्या है सिलसिला? एरिया काफ़ी है, और रूम जो है ना बता जाते हैं तो 36 रूम है इस महल में, 36 कमरे हैं इस महल में जी। और ये इसका क्या कहलाता है, ये मीटिंग हॉल है, क्या है? हाँ, ये उस टाइम का मीटिंग हॉल था इनका। अच्छा, स्टेट था, स्टेट के यहाँ फैसले होते थे, बैठ के होते थे, जो मीर साहब टालपुर साहब थे वो यहाँ पे फैसले करते थे, और रियासत के जो भी मामला थे यहाँ होते थे। अच्छा, ये जो ये सामने बोर्ड पड़ा है इनका, ये थोड़ा सा दिखा, ये देखें व्यूअर्स, ये अच्छा ये तस्वीर भी काफ़ी पुरानी, इसमें मीर साहब जो हैं जो आप कह रहे हैं जिन्होंने ये बनाया था उनकी तस्वीर कौन सी है? आए वो दिखाएं जिन्होंने ये तामीर कराया था, ये थे वो, ये मीर साहब थे, ये तस्वीर है, इन्होंने ये महल तामीर कराया था। अच्छा, और ये क्या है, ये तस्वीरें, ये शुजरा है इनका लगा हुआ है। अच्छा, ये थोड़ा सा बताएं अपने तौर पे कुछ। हाँ, ये शुजरा है इनका स्टेट का पूरा, नहीं ये इसमें ये 18 जब बनी थी तो यहाँ पे उस टाइम अंग्रेज़ों इनका मतलब हुकूमत इनकी होती थी,
हाँ, इनकी स्टेट होती थी, इनकी हुकूमत होती थी, इंडिपेंडेंट हुकूमत होती थी। जी जी। तो ये पाकिस्तान में इलाहा इनका कब हुआ? तो उनको ये बोल लिखा हुआ है। अच्छा, हर चीज़ लिखी हुई है जितनी है ना, आप खुद पढ़ के। अच्छा हाँ, ये व्यूअर्स ये देखें, ये काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, ये वहाँ की तस्वीरें लगी हुई हैं। ये कौन है ये जो तस्वीर लगी हुई है? सरकार मीर अली नवाज़ खान की तस्वीर। ये मीर अली नवाज़ खान की तस्वीर है। अच्छा, ये भी पुराने ज़माने की, उसी ज़माने की पिक्चर्स हैं व्यूअर्स। ये काफ़ी हिस्टोरिकल पिक्चर्स यहाँ लगी हुई हैं। और ये जो हैं ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भाई? हैदराबाद दखन की तस्वीर थी। हैदराबाद दखन की तस्वीर है। मीर अली नवाज़ है, ये मीर फैजमंद है, ये तुर्की की शहजादी है, ये हैदराबाद दखन का बादशाह है, वो सामने लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप इसको व्यूअर्स इसको आप स्क्रीन शॉट लेके आप पढ़ भी सकते हैं इसकी हिस्ट्री। ये महल का, इसका हॉल का एक और व्यू आप देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ये महल है। ये भी पुराने ज़माने का शेर का, ये जो मुझे सुना है या अभी का ये? हाँ भाई, ये जो है शेर का मुझे हाँ, ये पत्थर का है। ये लियाकत अली खान के साथ जो बैठे हुए हैं, ये भी मीर तालपुर साहब हैं। ये मौजूदा जो मीर साहब हैं, ये लियाकत अली खान के साथ जो बैठे हुए हैं, ये मौजूदा जो हैं, इनका अभी क्या नाम है इनका? अली मुराद खान तालपुर। दोबारा इसमें माइक में ज़रा कहें सरदार। सरकार हिजायन से मीर अली मुराद खान तालपुर। अच्छा, ये जो है हालिया जो हैं वो ये लियाकत अली खान के साथ बैठे हुए हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं। और एक ये पिक्चर तस्वीर है, ये काफ़ी हिस्टोरिकल जो है उस ज़माने की तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। ये यहाँ पे ये देखें, ये दोबारा मैं आपको एक व्यू दिखाऊं, ओवरऑल व्यू दिखाऊं। तो यहाँ पे ये पूरे उस ज़माने में फैसले किए जाते थे, मीर बैठते थे यहाँ पे, कितना खूबसूरत काम किया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा काम किया हुआ है, ये इतना पुराना काम 1700 सदी ईस्वी का, और अभी देखें तो मेरे ख्याल में तो ये अभी भी कोई आर्किटेक्ट इस टाइप की चीज़ें, ये देखें आप देख सकते हैं महारत देखें फ़न की कितनी। और यहाँ पे ये भी है कि ये जो मज़दूर थे ये मैसूर से, और इंडिया हिंदुस्तान अभी जो इंडिया कहलाता है वहाँ से मज़दूर, मैंने सुना है कि ये वहाँ पे थे, बुलाए गए थे और वो लोग अनाज के बदले यहाँ पे काम करते थे, बड़े बड़े एक्सपर्ट उस ज़माने के। ये फानूस देखें आप, ये छत देखें आप इसकी, यहाँ पे शायद लाइट चली फिर आ गई ये लाइट। यहाँ पे ये वो उसी ज़माने का ये फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो आज जब मैं ये यहाँ आया हूँ तो यहाँ पे मुझे परमिशन ये होती नहीं है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ के मौजूदा मीर साहब हैं उनकी फैमिली भी यहाँ पे हैं, तो रूम्स में तो जाने की मुश्किल इजाज़त मिले, यहाँ पे भी बड़ी मुश्किल से इजाज़त आज मिली है मुझे, मेरे दोस्त ने दिलाई है, क्योंकि ये आम ऐसे वीडियो बनाना और ऐसे बड़ी मुश्किल से यहाँ पे परमिशन मिलती है। तो आप अगर यहाँ पे आएँ तो पहले एक परमिशन लेके फिर आप आ सकते हैं, ऐसे आपको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। ये बाहर से एंट्रेंस, बाहर से ये एंट्रेंस है पूरा, फिर आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आगे का भी वहाँ से व्यूअर्स। ये यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का एक झूला जो है ये नज़र आया, ये देखें उस ज़माने का हिस्टोरिकल ये झूला है। यहाँ पे कुछ लिखा है कि यहाँ बैठना मना है, ये माशाल्लाह आप देखें, ये देखें ये बड़ा ज़बरदस्त झूला है, हिस्टोरिकल झूला है ये। ये देखें इन्होंने कोई शिकार किया होगा तो उसका ये इसमें शेर की है कि पूरा ये लक रखा हुआ है, उसको मम्मी बना के जैसे कर इसको, ये देखें इसकी ये ओरिजिनल इसका सर रखा हुआ है, पंजे रखे हुए हैं,
और ये तस्वीरें देखें इनकी, टालपुर जो ज़ाइनिस्ट थे खैरपुर रियासत के, ये मालिक थे व्यूअर्स, एक ज़माने में ये खैरपुर रियासत के मालिक होंगे। ये देखें, ये एक बड़े शेर का ये एक और मुझे सर हम ये रखा हुआ है, उन्होंने सेव करके बक्स में है, ये शिकार किया होगा। तो ये बिल्कुल जेन्युइन, ये देखें शिकार किया होगा शेर उस ज़माने का, उसको इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे करके। और ये एक इनके यहाँ पे ये बैठने का ज़ाइनिस्ट, जो फर्स्ट ज़ाइनिस्ट थे वो यहाँ पे बैठते थे यहाँ पे, ये इस पे ये इनका एक वो है। और ये तस्वीरें लगी हुई हैं, देख आप देख सकते हैं। ये पूरा ओवरव्यू देखें आप, एक और बहुत ज़बरदस्त बहुत हसीन ये एक महल है अपने ज़माने का, और अभी भी है ये। ये जो तस्वीर है ये किसकी है? ये जो मौजूदा मीर साहब है उनकी है? किसकी है ये इसमें? सरकार हुसैन मीर अली नवाज की तस्वीर है। अच्छा, व्यूअर्स ये मीर अली नवाज जो हुसैनिस्ट हैं टालपुर, उनकी ये तस्वीर इंटरनेट में बिल्कुल लगी हुई है। आप छत देखें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है माशाल्लाह। यहाँ से व्यू आपको मैं दिखाऊं, व्यूअर्स अभी मैंने आपको अंदर पूरा विजिट कराया और आगे भी कराया, तो आई होप कि आपको मेरा ये आज का जो व्लॉग है ये पसंद आया होगा। मेरे पीछे आपको महल नज़र आ रहा होगा। तो इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। और यहाँ पे अभी मैं खैरपुर में हूँ, फिर सखर भी जाऊँगा और आपको वहाँ पे भी कुछ और व्लॉग्स बनाऊँगा यहाँ पे। तो मेरे साथ आप नेक्स्ट आने वाले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखें, और मेरा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़।